हेलो हेलो शैल जी, आकाश बोल रहा हूँ। आकाश जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? हम सब यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। और मेरी बेटी, अब तक तो उसने पूरे बनारस को मुंबई बना दिया हो, नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो बेचारी तो खुद बनारस के रंग में रंग गई है। एकदम खुश मिजाज, बिल्कुल स्नेहा की छवि। अच्छी बात, मैंने आज आपको इसलिए फोन किया है ये बताने के लिए कि कुछ दिनों में गुंजन का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि उसके लिए हम सब कुछ स्पेशल करें। अरे वाह, अच्छा हुआ आपने बता दिया। मैंने कुछ प्लान किया है। गुंजन को मुझसे बहुत शिकायतें रहती हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वहां आकर उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूं। वैसे भी मैंने यहाँ अपना सारा काम निपटा लिया। जी, क्या कहा आपने? हम मतलब समझे नहीं। बस बस शैल जी, सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दीजिए। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। अगर आप नहीं होती तो मेरा, गुंजन का, हम सबका पता नहीं क्या होता। आपका और आपके परिवार का मैं बहुत शुक्रगुजार। बस आकाश जी, ये सब कह के आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। गुंजन हमारी भी बेटी है, हमने उसके लिए जो कुछ भी किया वो हमारा फर्ज है और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स, आप भी उसकी माँ हैं। अच्छा शैल जी, अब हम बहुत जल्द मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आकाश जी, किस सरप्राइज की बात कर रहे थे? कहीं वो गुंजन को अपने साथ वापस